और आपको लगता है कि मैंने तो जानवर खाया है नहीं साहब आपने जानवर नहीं खाया है वो जो जानवर है उसको आप खा सकें इसके लिए पहले उस जानवर ने न जाने कितना अन्न खाया है ये बात आपको समझ में नहीं आती लोग कहते हैं देखो मैं घास पात नहीं खा रहा मैं अगर घास पात खाऊंगा तो पेड़ कटेंगे मैं तो इसीलिए जानवर को खा लेता हूं और उस जानवर ने क्या खाया है वो जानवर अपने आप ही बड़ा हो गया और अगर आप एक किलो अन्न खाते हैं तो आप बस एक किलो अन्न खाते हैं आपने कुछ खा लिया दाल खा लिया आपने आपने चावल खा लिया आपने गेहूँ खा लिया आपने कुछ खा लिया अपनी पसंद का और कितना खाया आपने एक किलो अब एक किलो खाया तो एक ही किलो खाया लेकिन अगर आपने एक किलो मांस खाया तो जानते हो उसके लिए तुमने कितना अन्न खाया एक किलो मांस खाने के लिए तुम 10 से 20 किलो पहले उस जानवर को खिलाते हो जब जानवर 10 से 20 किलो दाना खाता है तब उसका एक किलो मांस तैयार होता है बात कुछ समझ में आ रही है तो जानवर को खाने वाले कृपया ये ना सोचे कि वो पेड़ों को बचा रहे हैं अगर तुमने दोहरा रहा हूं अगर तुमने दाल चावल खाया होता एक किलो तो एक ही किलो खाया लेकिन अगर तुमने एक किलो मांस खा लिया तो वो एक किलो मांस अपने शरीर में पैदा करने के लिए उस जानवर ने पहले 10 से 20 किलो दाना खाया था उसको इतना खिलाया गया था तब जा के उसका मांस पैदा हुआ था मांस ही नहीं उस जानवर को बड़ा करने के लिए उस पर पानी की भी बहुत खपत हुई थी में इस वक्त पानी की भी बहुत कमी है तो आपके सामने मांस आता है आप सोचते हो सिर्फ मांस है वो मांस नहीं है बहुत ज्यादा संसाधन लगे हैं तब वो एक किलो मांस तैयार हुआ है और उतने संसाधनों में न जाने कितने गरीबों का पेट भर जाता शाकाहारियों पे अक्सर ये इल्जाम लगता है कि देखो तुम भी तो पेड़ पौधा खा रहे हो उसमें भी तो जान है चलो वो इल्जाम मान लो सही भी है तो मांसाहारी ये तो बताएं कि तुम तो बकरा खा रहे हो तो तुमने तो बकरे को भी मारा और बकरे ने जो कुंटलों पत्ते खाए उन पत्तों की उन पौधों की भी हत्या का इल्जाम तुम्हारे ही ऊपर है क्योंकि बकरे को तो वो सब कृत्रिम रूप से खिलाए गए ताकि तुम तो बकरे को खा सको बहुत ज्यादा लोग इस बात से परिचित ही नहीं है कि मांसाहार इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है कि इस पृथ्वी को तमाम तरीकों से जो समस्याएं लीले ले रही हैं उनका मूल कारण मांसाहार है हम कहते हैं ना कि अरे 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 जंगल से उड़ते जा रहे हैं अक्सर इस तरह की बातें तुमने सुनी होंगी कि प्रतिदिन न जाने कितने फुटबॉल मैदानों के बराबर कितने फुटबॉल चालीस फुटबॉल मैदानों के बराबर जंगल काट दिए जाते हैं उनमें से अधिकांशतः तो ब्राज़ील में जो अमेजन के जंगल हैं वही काटे जा रहे हैं तुमने कभी सोचा है कि इतने जंगल काटने क्यों पड़ रहे हैं कभी विचार किया है ब्राजील का ही उदाहरण ले लो बताओ क्यों काटने पड़ रहे हैं वो जंगल इसलिए काटने पड़ रहे हैं ताकि उन जंगलों को काटकर उस जगह पर खेती की जा सके खेती क्यों की जा रही हो खेती इसलिए नहीं की जा रही है कि वो वहां जो खेती की जाएगी उससे जो अन्न पैदा होगा वो शाकाहारियों के पास जाएगा इस भ्रम में नहीं रहिएगा वहां खेती की जाएगी इसलिए ताकि वहां से जो अन्न दाना निकले वो गायों भैंसों को खिलाया जाए और फिर उनको आप काट करके उनका मांस खा सके वहां एनिमल फार्म चलते हैं ब्राजील मांस का बहुत बड़ा निर्यातक है एक्सपोर्टर तो जंगल इसलिए काटे जा रहे ताकि मांसाहारियों को मांस मिलता रहे मांसाहारियों के सर पर इल्जाम है पाप है दुनिया भर के जंगल कटवाने का आप एक तरफ तो चिकन चबाते हो मटन चबाते हो दूसरी ओर आप नई नहीं, नहीं मुझे दुनिया के जंगल की और पर्यावरण की बड़ी फिक्र है तो आप पाखंडी है, हैं आप हिपोक्रिट हैं क्योंकि दुनिया के जंगलों के कटने का सबसे बड़ा कारण ही मांसाहार है ये तो कही नहीं कि मुझे पता नहीं था दुनिया भर की व्यर्थ बातें आपको पता होती हैं और पृथ्वी के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो आपको नहीं पता थी पता थी नहीं या पता करना चाहते नहीं थे पता इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि जबान के स्वाद पर या धार्मिक आस्थाओं पर चोट लगती है इसी तरीके से हम कहते हैं अरे पशुओं की पक्षियों की पेड़ पौधों की इतनी प्रजातियां रोज विलुप्त हो रही हैं जानते हो रोजाना 25 से 150 सौ प्रजातियां हैं जानवरों की और कीट पतंगों की पौधों की जो हमेशा के लिए खत्म हो जा रही है वो लौट के नहीं आएंगी अब वो क्यों खत्म हो रही हैं वो इसलिए खत्म हो रही हैं क्योंकि उनके घर हमने काट डाले जब तुम एक जंगल काटते हो तो तुम पेड़ ही नहीं काटते हो तुम न जाने कितनी प्रजातियों का हैबिटेट काट देते हो जहां पर वो बसा करती थी वो उनका घर था मांस का स्वाद लेने के लिए तुमने न जाने कितनी प्रजातियां खत्म कर दी ऐसे नहीं खत्म कर दी कि तुमने उनको खा लिया ना खाया तो तुमने बकरे को लेकिन उस बकरे के लिए अन्न उपजाने के लिए तुमने जंगल काट डाले ताकि वहां खेती कर सको जंगल तुमने काटे न जाने कितनी अनाम अनजान प्रजातियां विलुप्त हो गई बल्कि प्रजातियां इस समय पृथ्वी पर बढ़ती ही कौन सी जा रही हैं मुर्गे बढ़ते जा रहे हैं बकरे बढ़ते जा रहे हैं इसलिए नहीं कि उन्हें बढ़ने का शौक है इसलिए क्योंकि तुम उन्हें कृत्रिम रूप से बढ़ा रहे हो ये बहुत मूर्खतापूर्ण तरक है आप जो मांस खाते हो वो नब्बे पिचानबे प्रतिशत कृत्रिम रूप से पैदा किया जाता है आपकी हवस मिटाने के लिए ऐसा थोड़ी है कि मुर्गे जंगलों में घूम रहे थे और आपके लिए जाकर के उनको कसाई लोग और रेस्टोरेंट वाले पकड़ के लाए हैं ये जंगलों से नहीं आ रहे हैं इन्हें जबरदस्ती पैदा किया जा रहा है और इन्हें जबरदस्ती पैदा किया जा रहा है खिलाया जा रहा है जंगल काट काट के तो मांसाहार से जो दो तीन चीजें हैं सबसे खतरनाक तो समझ में आई गई होंगी अभी उसमें और भी जोड़ूंगा पहली चीज जंगल कट रहे हैं इसकी वजह से दूसरी चीज प्रजातियां विलुप्त हो रही है इसकी वजह से तीसरी चीज जितनी तुम इसको संसाधन दे रहे हो जितनी जगह दे रहे हो एनिमल एग्रीकल्चर को उसके अनुपात में मांस से ना कैलोरी मिल रही है ना प्रोटीन मिल रहा है अब आओ चौथी चीज पर क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग इसका नाम तो सभी ने सुना ही होगा जानते हो ग्लोबल वार्मिंग की बड़ी से बड़ी वजह क्या है मांसाहार ईआरजे साहब ने बड़े भोलेपन से जाने भोलापन है जाने बात को छुपाने की मंशा है कई बार जब कुछ पूर्वाग्रह हमारे मन में बहुत गहरे बैठे होते हैं तो उनको कायम रखने के लिए हम तथ्यों को भी तोड़ने मरोड़ने लग जाते हैं खैर जो भी कर रहे हैं ई आर्जे बात समझिए इतना तो तुमने कह दिया कि आचार्य जी शायद आपको पता नहीं है कि क्लाइमेट चेंज मांस खाने से नहीं गैसों से होता है अरे वो गैसें क्या आसमान से टपकती हो गैस कहां से आ रही हैं जिन गैसों के कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस जिन्हें बोलते हैं सर्वोपरि उनमें कौन है मीथेन है फिर कार्बन डाइऑक्साइड है उसके बाद वाटर वेपर है और तमाम अन्य गैसेस हैं पर सबसे ज्यादा जो उत्तरदायी है गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए पृथ्वी पर वो है इस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से आ रही है तुम्हें कुछ पता है वो एनिमल एग्रीकल्चर से आ रही है मीथेन पैदा होती है उससे और कार्बन डाइऑक्साइड ये जितने तुम जानवर बड़े बड़े पैदा कर रहे हो काट के खाने के लिए इन्हीं जानवरों के शरीर से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं तो क्लाइमेट चेंज की बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी मांस खाने वाले लोगों के ऊपर है वो जो